दोस्तों, NPCI की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है करीब 4-5 दिन पहले, जिसमें बताया गया है कि अब आप अगर UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 2,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको ये चार्ज देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023 से। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है, लोग सोच रहे हैं कि अब 1 अप्रैल के बाद में UPI का यूज किया जाए या फिर ना किया जाए, कितना चार्ज देना होगा, महंगा पड़ेगा। तो इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ अफवाह भी हो गई है, गलतफहमी भी हो गई है। तो आज मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ कि चार्ज किसको पड़ेगा और किसको नहीं पड़ेगा, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, NPCI की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि यदि आप 2,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं UPI के माध्यम से, तो उसमें आपको 1.1% का मर्चेंट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। पर उसमें शर्त ये है कि आप अगर UPI बैंक टू बैंक करते हैं तो आपको उसमें कोई चार्ज नहीं देना है। आपको चार्ज देना है जब आप कोई वॉलेट यूज करते हैं, जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया, फ़ोनपे वॉलेट हो गया, या फिर अमेजान पे वॉलेट हो गया। इस तरह का अगर कोई भी वॉलेट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। बट आप अगर नॉर्मल UPI यूज करते हैं, जैसे बैंक टू बैंक पेमेंट होती है, तो वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। वो पूरी तरह से जैसे अभी तक फ्री था वैसे ही अब भी फ्री ही रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अधिकतर सभी लोग इसी ट्रांजेक्शन को करते भी हैं, जिसमें कि डायरेक्ट बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आप वॉलेट से 2,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल UPI यूज करते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो इसलिए ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की ज़रूरत है कि 1 अप्रैल के बाद में UPI यूज करें या फिर ना करें, आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप अभी तक UPI ट्रांजेक्शन कर रहे थे वैसे ही आगे भी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि वॉलेट वैसे भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, अधिकतर सभी लोग डायरेक्ट बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र करते हैं UPI के माध्यम से, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।